आपका हमारे नए घर में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता कि मैंने न्यू बाइक ली थी। शायद रहो, शायद कहाँ जा रहे हो, आपको कुछ दिखाना है। एक और खुशखबरी है आपको, जो क्रेजी थ्री जो मेरी खुशबू दी है, आज से 10 दिन पहले मैं शेरवानी उसकी जाके फाइनल करा के आया था, जहाँ से मेरी आई थी शेरवानी वहां से। तो हम लोग अब चढ़ेंगे 5 मंजिल बुर्ज खलीफा, हमें पैदल चढ़ना है 4 मंजिल। ये हमारे लिफ्ट का एरिया है जिसपे भी लिफ्ट बनेगी। वेलकम बैक टू आवर चैनल मासा ट्यूबर। आपका हमारे नए घर में स्वागत है। फाइनली हम आज आपको थोड़ा सा हमारी नई बिल्डिंग ब्रीफ दिखाने वाले हैं। हमारे ब्रीफ नहीं, मतलब हम दिखाने वाले हैं कि हमारा नया कैसे चल रही है, कैसे बन रही है और हमारा फ्लोर कौन सा रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे, कुछ नहीं पता, बट हमारा इरादा है। ओए भाई साहब, हम अभी से फर्स्ट फ्लोर आए हैं, अभी इतने फ्लोर बाकी है। ये रही एंट्रेंस। ओके, सो यहाँ से सीढ़ियाँ दोनों आ गई, बीच में लिफ्ट का एरिया, उधर 2 BHK, इधर 2 BHK। मैंने बता दिया लोगों को, ये हमारा बाथरूम है, आवर फर्स्ट रूम। क्या कर रहा होगा, ये ड्राइंग रूम। हाँ हाँ हाँ, चलो ये हो गया ड्राइंग रूम, ये है किच। ओए, किचन रेडी होने लगी। हाँ, रेडी है क्या? अच्छा है, किचन हो गई, ठीक है। और क्या, कितनी सुंदर टाइलों का कलर है यार, ये है ना। दिस इज सेकंड बाथरूम, ये बेडरूम हो गया विद बालकनी, पूरा बालकनी यहाँ से। आपको हमारा पुराना घर दिखाई दे रहा है, ये हमारी बालकनी है और वो रहा हमारा पुराना घर, अभी तो फिलहाल हमारा ही घर है वो। कौन सा, ये बेडरूम हो जाएगा बालकनी में? बालकनी नहीं चाहिए, नीचे नीचे ऊपर से रखनी चाहिए। अच्छा, ऊपर वाला तो टेरेस है ना, हम तो टॉप फ्लोर पे जाएंगे। चलो, बहुत सही है बाबा, इतनी बड़ी बालकनी है जिसमें खाट मिल जाएगी। अच्छा, और मैं शूट भी कर पाऊंगी ऐसे बालकनी वाला। अच्छा, मैं शूट, वी आर प्लानिंग कि हमें अपना स्टूडियो और वो अलग करना है, स्टूडियो और एडिटिंग का रूम जो होता है, स्टूडियो शूट के लिए और एडिटिंग के लिए। तो हम मेन वो देख रहे हैं कि हमारा एडिटिंग और स्टूडियो और रूम सही से बैठ जाए। देखो पापा मेरे वो वाले बिल्डर है कि कभी कोई भी कैसा भी सस्ता काम नहीं कराना है। टाइल्स वाइल्स पापा को ना के पसंद है, पापा मुझसे मार्बल लगवाते हैं। मैं बता रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी रेंट के लिए, बाकी हमें अपना स्टूडियो और एडिटिंग रूम वगैरह अलग करना था, इसलिए हम सोच रहे हैं कि बिल्कुल घर के सामने रहेगा तो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता कि मैंने न्यू बाइक ली थी, शायद रहो, शायद कहाँ जा रहे हो, आपको कुछ दिखाना है। जैसे आपको पता था आप लोगों को मैंने न्यू बाइक ली थी, उसका नंबर मैंने बहुत स्पेशल लिया था। शायद रहो, जल्दी आओ। हाँ, नंबर उठाओ, नंबर आ गया ना मेरी बाइक का। यार इसको क्या हटाऊं, क्या इस पर सुसु कर गया। अरे भैया हटाओ, सही में हटाता हूँ, मैं हटाता हूँ, ऊपर हटाओ, हटाओ हटाओ हटाओ, नंबर देखना नंबर क्या है, जल्दी देखो। Yes. मेरी बाइक का नया नंबर देख लो क्या है, 2109, जो कि मेरा टैटू बना हुआ है। और इस डेट का मतलब क्या है, इस दिन हम दोनों ने पहली बार बात की थी, आई मीन मैंने पहली बार आपसे कांटेक्ट रखा। शाय ने जिंदगी में पहली बार मुझे इस दिन कांटेक्ट किया था, पहली बार मैंने शाय को जाना था कि हाँ शाय शाय है। 2109 21 सितंबर, ये नंबर मैंने बाइक से पहले एडवांस में लिया था। अच्छा, कितना प्यार करते हैं, हर चीज मिला। अच्छा है ना, अब मेरा मन है कि ये नंबर मैंने अपने लिए हमेशा लकी माना है, 2109, इसलिए मेरी हर आपको हर आईडीज में नंबर मिलेगा 2109, इंस्टाग्राम में भी मिलेगा। और एक और खुशखबरी, एक और खुशखबरी है आपको, जो क्रेजी थ्री जो मेरी खुशबू दीदी है, खुशबू दीदी, तो उनका जो उन्होंने आपको पहले बताया हुआ एक ब्लॉग में कि उनको गवर्नमेंट जॉब को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, केस चल रखा है, केस कर रखा है कोर्ट में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जॉब जो है उन्हें जॉब दे नहीं रहे थे, जबकि दीदी ने वो एग्जाम क्लियर कर लिया था। तो दीदी ने वो कोर्ट में पहला केस जीत लिया है और कोर्ट ने बोला है कि दीदी को 3 महीने के अंदर जॉब देनी है गवर्नमेंट टीचर की, PGT। यस, पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको क्रेज है, PGT बोला मैंने, PGT। पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको क्रेजी थ्री चैनल पे जाके देखना पड़ेगा।
बाकी मैं को इतना ही पता है और मेरे को दीदी ने इतनी परमिशन नहीं दी है बताने के लिए। तो फाइनली कांग्रेचुलेशन खुशबू दीदी, 2 साल के बाद केस जीती हैं। केस जीती थी ना? हाँ, मम्मी रोई थी। मम्मी रोई थी, बताओ मेरे शाम तक आंसू ही नहीं रहे। मैं कैसे मम्मी मम्मी इतनी रोई, इतनी रोई मम्मी। 5 साल के बाद है कि उसने इतनी मेहनत करी थी यार। ये वही एग्जाम है जो अभी खुशी दीदी देने के लिए आई थी और कहा था कि मैंने पहले एक बार भी क्लियर कर दिया था पर अब की बार नहीं हुआ। तो जो पहली बार क्लियर किया था ना, तो वही वाला है जो एग्जाम जो दीदी का जो एक डॉक्यूमेंट के चक्कर में फंसा दिया गया था जानबूझ के, पर दीदी ने वो केस कोर्ट में जीत लिया। क्या बात है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ एक लाजवाब वेबसाइट www.lotus365.com के बारे में, जहां आप अपना क्रिकेट का नॉलेज यूज करके अच्छा इनाम जीत सकते हो। यहां आपको बताना होता है कि आज क्रिकेट मैच कौन अच्छा खेलेगा और 200 प्लस और बहुत सारे गेम आप यहाँ खेल सकते हो, मतलब गोवा के मजे इनकी साइट पे। इन गेमों में से जो मेरा फेवरेट है, जो मैं खेलता हूँ, वो है क्रिकेट बेस। अपना नॉलेज यूज करके यहाँ मुझे बताना होता है क्रिकेट मैच आज कौन अच्छा खेलेगा। लोटस 365 एक ट्रस्टेड और सेफ वेबसाइट है जिनके ब्रांड एम्बेसडर नवाजुन सिद्दीकी, उर्वशी रुटेला, कीर्ति खरबंदा और काजल अग्रवाल ने। अगर आप इनके इंस्टाग्राम @lotus365world को फॉलो करो और वहां जाके देखो कितने सेलिब्रिटीज इनका प्रमोशन कर रहे हैं, देख के सच में हैरान हो जाओगे। और इनकी सबसे अच्छी बात कि आपका अमाउंट यहाँ 20 मिनट में विड्रॉ होता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। अकाउंट ओपन करने पे मिलेगा आपको 365 का बोनस और पहले डिपॉजिट पे 5,000 का बोनस। तो वेट किसका है, अभी लॉगिन करो www.lotus365.com पे, लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में। शायद लेबल फाइनली हमने लॉन्च कर दिया है, तो उसके ऑर्डर आए, तो ऑर्डर डिस्पैच कराने हैं मुझे आज ही। मैं अभी जा रहा हूँ, फिलहाल फहीम की शादी है 15 दिन बाद ही, तो उसका मैंने शेरवानी फाइनल करा दी थी आज से 10 दिन पहले। मैं शेरवानी उसकी जाके फाइनल करा के आया था, जहाँ से मेरी आई थी शेरवानी, वहां से जो रिसेप्शन होगा वलीमा, तो उसके लिए मुझे ड्रेस फाइनल करानी है उसकी। अब तक कुछ पता नहीं है क्या लेना क्या नहीं लेना, 15 दिन बचे हैं। मैंने कहा चल भाई क्यों लेट कर रहा है, तो मैं और फहीम मैं अपने साले साहब की शादी की शॉपिंग कराने के लिए जा रहा हूँ, उसके ड्रेस फाइनल कराने के लिए। बाइक से जा रहा हूँ, मेरे पास में जाना है, तो चलते हैं वही मिलूंगा शॉप पे। एक लास्ट एट लास्ट हम 25 कपड़े देखने के बाद एक लास्ट रिसेप्शन का आउटफिट था वो हो गया तय। साइज ले तो भैया इनका, साइज ले खत्म करो, साइज में सब कुछ करो। मुझे भी सूट सिलवाना है पर अभी थोड़ा सा लेट हो रहे हैं क्योंकि शाम को हमारा प्लान है, मेरे साई का साथ में हमारा प्लान है बाहर जाने का, तो लेट हो रहे हैं। मैं अपना सूट का साइज बाद में देना हूँ, अभी फिलहाल के लिए अभी सूट इतना ही रखेंगे जितना है। इसी का हो जाए दूल्हा, ये इसी का पहले मेन हो जाए, अपना तो होता रहेगा। ड्रेस जो फाइनल हुई है वो तो अभी दिखा नहीं सकते, सरप्राइज दूल्हे के लिए बहुत बड़ी बात है, दूल्हा दुल्हन के लिए उनकी ड्रेस अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ओहो ये बैठी हमारी हीरोइनी, कैसे हो? बहुत परेशान है। क्यों, क्या हो बताओ? काम करना पड़ता है और बहुत बहुत शोर आता है, बहुत शोर है सामने बिल्डिंग का, कट 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 है। एक सेकंड, शायद तुम्हारा फोन कहाँ है पहले तो मुझे ही बताओ। ये इसमें मैंने इसके अंदर लिटरली आपको 3 कॉल किए थे, मुझे नहीं खोल के देखो, कॉल खोलो, नहीं अभी नहीं खोल सकती काम में। मैंने 3 कॉल किए थे ये पूछने के लिए कि आप रिसेप्शन पे क्या पहन रहे हो, फाइन पे कि मैं उस कलर का सूट सिलवा लूं। मैं रिसेप्शन में मल्टी कलर का लहंगा पहन, तो मेरे को दो तो सही एटलीस्ट भाई दिखाओ तो सही। मेरे फोन करो तो कॉल बैक नहीं आया, मैं 1 घंटे बाद घर भी आ गया तुम्हारा कॉल बैक नहीं आया, तुम्हारा फोन तुम्हारा सामने लगा हुआ है, गलत है ना ये? मैं अपना सूट फाइनल करके नहीं आया हूँ, लिटरली नहीं आया हूँ, मैं दोबारा फिर जाना पड़ेगा कि मैं मैचिंग का पहनूंगा शाह के साथ। आपने इतना परेशान कर रखा ना सबको, आपको क्या बाहर जाने की लगी रहती है? हाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है? काऊ देखने जा रहा है, काऊ देखने जा रहा है। माइशो क्या है कि इसको पता नहीं कि बाहर इतना मजा आता है ना, ये सीधा दादा को जैसे पता चल गया ऐसे दादा बाहर जा रहे हैं, जैसे ही पता चला दादा बाहर जा रहे हैं इसे बाहर जाना है, नहीं तो चिल्लाना रोना ऊपर से आवाज आ रही थी चिल्लाने की, मैंने इसी जिग्गू खिला रहा था। देखो चलती अपने दादा के साथ हाथ पकड़े घूमने, बढ़िया गई। अब जब तक दादा अंदर नहीं आएंगे ये अंदर नहीं आएगी, कैसे कितना लालच दे लो, कार्टून भी फेल हो जाता है यहाँ पे इसके बाहर जाने को लेके। जिगू 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 जिगू, सच में ताई ऐसा लगता है अक्षय को छोटा करके फोटो कॉपी करके रख रखी अक्षय की छोटी। I'm getting late. Yes, seriously, I'm getting late. क्योंकि हमारा 6:45 का मूवी का शो है फिलहाल।
गाड़ी धोने के लिए मैं गाड़ी धो के आया हूँ खुद अपना हाथों से, इसमें थक गया हूँ, ऊपर जा रहा हूँ नहा धो के तैयार होके जल्दी निकलेंगे। आज हमारी डेट है, यस, आज कमाक्षी हमारे बीच में नहीं है, आज वो हमारे बीच में नहीं जा रही है। क्या क्या कह रही है, क्या करी, क्या करी? तुमने ऑफर दिया था, मैंने रिजेक्ट किया था क्योंकि मेरे को थोड़ा एग्जाम का टाइम चल रहा है मेरे स्कूल में। नहीं, इसको हमने पूछा ही नहीं इस बार। हर बार मैं, कमाक्षी और शायद ऐसे बैठे होते कबाब में हड्डी का ही की हमने कैसे पूछेंगे नहीं, हमने दो टिकट बुक करा दी। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं, मेरे को फैमिली के साथ, फैमिली को साथ लेके चलना बड़ा अच्छा लगता है ना अम्मी, है ना? आप भी चलोगे अवतार 2 देखने? अवतार 2 देखने नहीं, मैं बाद में, तेरे पापा बाद में जाएंगे क्योंकि अच्छा, कपल, कपल। रीजन बीइंग यही हो चुका हॉल में मायशो नहीं रुकने वाली है, जब तक वो 5 साल की नहीं होती उसके लिए मूवी एकदम वर्थलेस है, उसको ले जाना भी, तो इसलिए मम्मी पापा मायशो के पास रुकेंगे, फिर हम घर पे रुकेंगे, तो कल परसों मम्मी पापा चले जाएंगे देखने के लिए, ये हमारा ऐसे सेटिंग है मायशो संभालने की। A few moments later. आज शाय मुझे पता कैसी लग रही है, जब शाय का फर्स्ट बर्थडे था ना तो मैंने शाय को ऐसे कुछ रेड टॉप गिफ्ट किया था, याद है आपको? टॉप था हाँ। वो सेम वैसे ही रेड वाली देख के शाय को मेरे को वही फीलिंग आ रही है, सच में मजाक से हटके ये रेड टॉप था। वो बहुत सुंदर था, वो मैं सोचती हूँ जब नई नई शादी होगी तो मैं पहनूंगी और वो हनीमून पे पहन के जाऊंगी। शाय को हम दोस्त थे तो शाय ने मुझे यही बोला। Few moments later. आई शर्मा आ गया रे। ये क्या हो रहा है? ये कौन सा? ये किसी करो। इसके सोने के बाद ही मैं अपने सारे शाइस्टर्स लेबल के हमारे पैकेजिंग बाकी है क्योंकि हमें कल डिस्पैच कराना है। एंड वी आर सो थैंकफुल टू यू गाइस। सो थैंकफुल टू यू गाइस। हमारे पास काफी सारे ऑर्डर्स आए और मैं बताऊंगा अभी इस बारे में बात करेंगे, पहले एक बार मायशो को सुला ले उसके बाद आप लोगों से इस बारे में बात करेंगे और बताएंगे अच्छे तरीके से। अभी हमारी ढंग से बात हो नहीं पाई है। शाय ने खूब कोशिश की है सुलाने की, क्या हुआ? ओए शैतान जाग गया, देखो हमारा सलालती बच्चा देखो क्या कर रहा है, सेंटा क्लॉज। हाँ भाभी जीजा इसे पता है कि अगर हम हम हंसेंगे इसको हंस रहा है, अगर ये हंसी नहीं तो मुझे सुला देंगे, इसे ये पता ही थी। अरे भाभी। तो गाइज हमारा शायद चाइल्ड लेवल का पहला ऑर्डर पैक हो चुका है और ये किसका शायद क्या नाम था? नेहा तोमर। अरे मायशो एक सीन पकड़ो, बताता हूँ किसका? नेहा तोमर का। और ये शाय स्टाइल्स आपकी प्यारी साइमा ने अपने हाथों से पैक किया है क्योंकि अब इसके बाद मतलब परसों से हमारी टीम पूरी रेडी हो जाएगी, हमारी वेबसाइट लॉन्च होने वाली है तो अब वही करने वाले हैं। पर ये पहले दो ऑर्डर नाम बता दो दोनों के। अदिति श्रेष्ठा और नेहा तोमर का ऑर्डर मैं पैक कर रही हूं। एक दूसरा और ये दूसरा कर रही है, शायद दूसरा ऑर्डर पैक कर रही है खुद ही। आज सुबह से बहुत बिजी थी पर अब जाके टाइम मिला पैक करने का, कल डिस्पैच हो गए परसों तक आपके हाथ में। The next morning. Good morning guys, good morning. कल रात को मायशो को सुलाते सुलाते ना सच में बता रहा हूँ कब पता नहीं चलता कब नींद ला जाती है, क्योंकि देखो लाइट बंद करके सुलाना पड़ता है मायशो को और लाइट बंद करते हैं तो भाई खुद को भी नींद आ जाती है। तो कल रात को मायशो ने 1 बजा दिए और उस टाइम में पैकिंग करना, वो लेबल प्रिंट करना, इनवॉइस प्रिंट करना बहुत हेक्टिक था। बाकी मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, शायद अभी नीचे गई हुई है तो मैंने सोचा ये राइट टाइम आप लोगों से बात करने का। आप लोगों से मतलब उन लोगों से जो बहुत फालतू बकवास करते हैं। यस देखो यार, एक ब्रांड लॉन्च करना ना किसी का ड्रीम होता है सच में। कुछ भी नया करना यार मेहनत कर लगती है हर चीज में, कुछ भी नया करना। सूट की ब्रांड तो बहुत अलग बात है। आप एक जो मतलब लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत उल्टे सीधे कमेंट्स भी आ रहे हैं फेक आईडी से, लिटरली फेक आईडी से। वो मेरे लिए मैटर नहीं करते पर शायद बहुत एक वो है, टची है, मतलब बहुत इमोशनल है कि वो कमेंट्स पढ़ती है और वो उसको बुरा लगता है। हर किसी को लगता है, आपने कोई ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और ऊपर से आपको वहां लोग आके उल्टा सीधा पकना स्टार्ट करते हैं तो वो चीज देखो गलत है सच में। अब बात है कि लोग लिख रहे हैं ओवर प्राइस्ड है, बहुत महंगा है, ये तो हम खुद पे घर बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। एक 20 लाख की बाइक जो मैं यूज कर रहा हूँ मेरे अड़ोस के लिए, मेरे पड़ोस के लिए, मेरे नीचे वालों के लिए, मेरे घर वालों के लिए, वो वेस्ट मनी है।
पर कंपनी तो आपको आके नहीं बोल रही कि हमारी 20 लाख की बाइक लो भाई, जो आपका बजट बैठ रहा आप लो, तो वो आपको आके फोर्स नहीं कर रही। तो यहाँ किसी की वेबसाइट पे ये नहीं लिखा है नॉक करके कि जबरदस्ती आपको नॉक कर रहे हैं कि लो भाई नहीं खरीदना खरीदना, जिसको वर्थ लगे भाई वो खरीदो, जिसको अच्छा लगे वो खरीदो, पर एटलीस्ट किसी को आके फेक आईडी से गाली गलौज उल्टा सीधा मत बोलो। अगर आप खरीद नहीं रहे ना, बस एक कांग्रेचुलेशन लिख दो, कीप इट अप लिख दो, बहुत होता है भाई। तो भाई छोटी सी दुनिया, प्यार बांटते चलो, कब कहां कांटेक्ट कर जाए कुछ भरोसा नहीं है। क्या पता जो आज उल्टा बोल रहा है कल वो हमारे साथ बैठ रहा हो, तो फिर बहुत छोटी दुनिया है, बहुत सच में बहुत छोटी दुनिया है। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, इस ब्लॉग में इतना ही।